पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली देखिए एग्जैक्टली हम बाहर जाते हम बहुत अच्छे लॉ अबाइडिंग सिटीजन कहलाते हैं, अपने मुल्क में हम क्यों अपने मुल्क को ओन नहीं कर रहे हैं, अपने जिस शहर में भी रहते हो शहर को ओन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ट्रैफिक पुलिस का मतलब होती है ना कि आप हमारे यहाँ, मैंने देखा है बाहर के मुल्क में तमाम लोगों में ना बहुत ही सब्र है। बाहर भी हम ही लोग देख कर रंग बदलता है। हमारे यहाँ क्या है कि मैंने तो यहाँ पर जो मतलब 60+ के साहब भी गाड़ी चला रहे होंगे ना, तो उन्हें इतना होगा कि ओवरटेक कर लूं और ये मतलब इतना जोश होगा उनमें कि मैं हंसती हूँ कि अंकल यार थोड़ा सा सबर, आप ही सबर कर लें, अभी भी सबर। अच्छा भाई शकील साहब वो बहुत देर से उनको ज्यादा जल्दी होती जा रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? मुझे लग रहा है कि आप भी कुछ कोई बात जरूर करना चाह रहे हैं। मसला है जिससे हर आदमी रिलेटेड है। डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं ये कानून के हवाले से बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा कंट्रास्ट है। और इस अभी मैं प्राइवेट चैनल पे देख रहा था कि जो इनकी मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बाकायदा जो ट्रैफिक पुलिस है उनको अफ्तारी तक नहीं पहुंचती, तो वो लोगों से इंतजाम कर रहे होते हैं। नहीं नहीं इस तरह नहीं है, मैं बिल्कुल प्राइवेट चैनल दिखाया है नेगेटिव, ये कंट्रास्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह। आज डॉक्टर साहब आप फंस गए सर, यहां वाले जो जो आपके पुलिस के कांस्टेबल है ना तो रमजान के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आम दिनों को भी हम सामने रखें, आम दिनों में भी इसमें बहुत ज्यादा जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है, और ये बात ठीक है कि लोगों को भी उस पर जो है आपके बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन जो इंतजामिया है आप यकीन कीजिए मैं मुख्तलिफ चैनल के साथ जब मैं खुद खड़ा हूँ यू चैनल का किसी पे तनकीद कर देना, बात यह है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, बी स्पेसिफिक। बदनज़मी है तो कहाँ है? आप ये नहीं कह सकते कि जी पूरे कराची में बदनज़मी है, कहाँ पे है? मैं जिन चैनल्स के साथ खड़ा हुआ हूँ वहाँ आप यकीन कीजिए, वो प्रोग्राम आप रिपीट करके देख लीजिएगा कि वहाँ लोगों ही का रवैया जो है वो गलत मिला। मैंने देखा था, मैंने आपको फोन भी किया था प्रोग्राम देख जी बिल्कुल। मैं खड़ा हुआ हूँ वर्दी में खड़ा हुआ हूँ उनके चैनल्स के एंकर्स के साथ, और आप यकीन कीजिए कि बिल्कुल उससे मुखालिफ वो आया, उनका फीडबैक उन्होंने भी देखा और पूरे लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, हम जहां रोक रहे हैं गलत गाड़ी लाने से गलत गाड़ी लेकर आएंगे, लोग करते हैं बिल्कुल चालान रेजिस्ट कर। जो आपका निजाम है मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आजकल जो आप बदनज़मी देखते हैं अपने ट्रैफिक के हवाले से, हम अपने शहर में हमारा जो शहर है ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसमें आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, बड़ी तेजी से लीजिंग्स हो रही हैं, तो आपके यहाँ जो लाइसेंस का इजरा है वो तो इतना आसान है कि जो शख्स चाहे वो लाइसेंस का कार्ड बनवा ले। मेरे ख्याल में ये जो आप बदनज़मी देखिए, लाइसेंस जो है ये लाइसेंस मेरा शोभा नहीं है, इसलिए कि लाइसेंस ब्रांच अब उनका डीआईजी साहब अलग है, जो देखिए जो आप बात कर रहे हैं ये जब ट्रैफिक रूल्स एक गाड़ी चलाने वाले को, जिस तरह खातून भी बयान फरमा रही है बिल्कुल हकीकत ये है और हकीकत बिल्कुल हाल है ये कि हमारे यहाँ रोड पे जो ड्राइवर्स हजरात नजर आते हैं प्राइवेट कैरेज में, प्राइवेट व्हीकल्स में या वो पब्लिक व्हीकल्स में जो भी नजर आते हैं, वो लगता नहीं है कि वो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा लगता है वो चांद गाड़ी चला रहे हैं। देखिए अगर अगर कोई देखिए उसके में फिर उसके लिए होता ही है कि ये हमेशा से कि कानून नाफिज करने वाले लोग मौजूद होते हैं और उनको वायलेट करने वाले लोग मौजूद होते हैं, ये कभी नहीं होगा, आइडियल सिचुएशन नहीं आएगी कि लॉ वायलेट करने वाले लोग मौजूद ही ना हो, वरना फिर हमारा आपने इसीलिए तो सारे ऑप्शंस अपने पास रखे हुए, कभी ऐसा हुआ तो आप उन ऑप्शंस पे चले जाएं। बल्कि मेरी तो दुआ है कि ये आइडियल सिचुएशन आ जाए कि जब कोई लॉ की वायलेशन ना करे। होता है इसमें यह है देखिए, अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है तो फिर हम ये करते हैं कि उनका चालान करते हैं, अनअबेटेड किसी को अलाउ नहीं है कि वो मुंह उठा के निकल आए और वो वायलेशन करता रहे। आपके सामने नहीं हो रहा तो कहीं और यकीनन उसका चालान हो रहा होगा, और अगर ऐसा ना होता तो हमारे पास हजारों में और कुछ शोबों में तो लाखों में फिगर मौजूद है जिसमें चालान इन 5 महीने जो हमारे गुजरे हैं गुज़िश्ता इस साल के उसमें चालान हुए हैं, और इसको आप इस कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ मैच करके देखें जो पिछले साल का था, तो
इस साल हम हर साल इजाफा ही होता है। अच्छा, ये चालान का जो आपके पास पैसा आता है फिर ये कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? देखिए ये तो फिर बहुत लंबा मौजू हो जाएगा। इसमें होता ही है कि डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता। अच्छा, हमारे पास एक रुपया भी नहीं आता। अच्छा, वो बैंक में जाके जमा होता है, वो गवर्नमेंट के जो उसमें अकाउंट होते हैं उसमें बिल्कुल एक्सचेकर में जमा होता है, तो बराह रास्त उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हाँ मेरे ख्याल में थोड़ा सा माहौल को पुलिस की तरफ से नहीं, सबर से बिल्कुल बराह रास्त मुताल्लिक है ये चीजें, सबर से बराह रास्त मुताल्लिक है। ट्रैफिक स्पेशली आपको अगर मिजाज में आप अपने शामिल करेंगे इसको, हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रैफिक के भी और दीगर भी, वो सब्र बर्दाश्त का ही तो सबक देते हैं। तो ये बिल्कुल रेलेवेंट है, वेरी पर्टिनेंट है। डॉक्टर साहब इस पे मज़ीद हम पूरी दुनिया में ट्रैफिक जाम होता है। अब शकील मदनी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हम इसको अपनी ट्रांसमिशन का अब हम बाकायदा, अभी तो प्री हीट डिस्कशन था जिसे कहना चाहिए असल डिस्कशन से पहले थोड़ा हीट जनरेट करने के लिए प्रॉपर आगाज जो हम करेंगे वो हमद बारी ताला से करेंगे। शकील मदनी साहब से दरख्वास्त है कि हमें फैजियाब करें हमद बारी ताला से। मैं हमद रब जलील अपने उस्ताद गिरामी हजरत सैयद प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब की कही बिना हम आपके सामने पेश करता हूँ। सद शुक्र के यूं विर्द ज़बां हम दे खुदा है वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा उसका कोई सानी नमुशाबे नमुकाबिल उसका सबसे जुदा सबसे जुदा सबसे जुदा है वो सबसे जुदा सबसे जुदा सब काफिर होके मुस्लिम कोई मुशरिक होके मोमिन काफिर होके मुस्लिम मुशरिक होके मोमिन वो सब का खुदा सब का खुदा सब का खुदा है वो सब का खुदा सब का खुदा है वो सब से बड़ा
سب سے بڑا سب سے بڑا ہے یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے سب شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے کلام بہت عمدہ اس کی ادائیگی بہت اچھی اس کے ایکسپریشنز اس کے ایکشنز اس کی آواز کے ایکسپریشنز میں کہتا ہوں واقعی اب تک دعائیں رہتی ہیں ماشاءاللہ شکیل بھائی مطلب آج جو ہمیں لطف اور جو ہمیں جسے کہنا چاہیے نا جو سحر طاری ہو گیا تھا وہ مطلب اس کی بات جو ذکر ہے وہ ذکری آپ یقین کریں اور اقبال عظیم صاحب جیسا شاعر اگر کر رہا تو وہ ایک ایک ورڈ تھا وہ ایک بالکل الگ الگ اور یونیک انداز کی میں کہتا ہوں کلیئرٹی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت زبردست ماحول یعنی سما بند گیا تھا سمجھ میں بالکل تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں ابھی اس وقت گیسٹ سے کافی ساری باتیں کرنی ہے اپنے مہمانان گرامی سے آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں کال ہم آپ کی ابھی اس لیے نہیں لے رہے تھے کہ تھوڑے سا ڈسکشن ذرا کچھ ڈسکشن آگے بڑھ جائے تھوڑی سی بات چیت ہم بھی کر لیں اس کے بعد آپ کو اور ذرا بات ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی موقع دیں گے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے نعمت رمضان شهر الرحمة